गुड मॉर्निंग मॉर्निंग पॉडकास्ट कमोडिटी सेक्शन के लिए आपका स्वागत है। ये 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे मॉर्निंग में क्या आउटलुक रहता है बुलियन का और पूरे ही कमोडिटी कॉम्प्लेक्स का। सबसे पहले अगर हम कल के ओवरव्यू की बात करें तो कल सोने और चांदी में पूरे दिन मार्केट मात्र 100 पॉइंट में ही घूमता रहा। गोल्ड में हमने देखा ना ये 48,950 के नीचे जा पा रहा था, ना ही 49,100 के ऊपर जा पा रहा। बट एकाएक शाम के सेशन में हमने देखा 8:30 के बाद जैसे ही डॉलर इंडेक्स में तेजी आई, इमीडिएटली गोल्ड में एक अच्छा खासा फॉल दिखाया जो नीचे में 48,750 तक का लेवल दिखाता हुआ दिखाई दिया। बट अभी भी अगर हम ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 48,600 से लेकर 49,300 का जो ब्रॉडर रेंज बना हुआ है, इस रेंज को अभी भी नहीं तोड़ पाया। टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट जरूर है, सोना चांदी करेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है, बट आप देखिए कि अभी भी यूएस और चाइना के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है, कोविड के केसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी करीबन 10 लाख के केसेस भर चुके हैं जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी है और सोने चांदी को सपोर्ट मिलेगा। तो आप बड़ा कोई ट्रेड करने से चुकी है, बड़ा ट्रेड नहीं करना है हमें। मार्केट अनलेस एंड अंटिल कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देता है, 49,300 के ऊपर क्लोज दिया, 50,500 तक का लेवल गोल्ड दिखा देगा। ओवरऑल गोल्ड में लंबी तेजी है बट एक जुलाई में करेक्शन ड्यू जरूर है, बट वो जब तक लेवल 1770 का लेवल नहीं तोड़ता इंटरनेशनल में, वेट एंड वॉच। क्रूड में मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 3100 के ऊपर क्रूड नहीं निकलेगा, मार्केट में गिरावट ही रहेगी। 3120 के स्टॉप लॉस से बेच के चलिए, 3000 का लेवल तोड़ने पे 2900 का लेवल तोड़ने पे बड़ी गिरावट, क्योंकि ओपेक नॉन ओपेक मेंबर ने अगस्त से जो प्रोडक्शन कट्स किया था उन्होंने उसमें अब कमी लाना चालू कर देंगे, जिसकी वजह से ओवर सप्लाई फिर से बन सकता है, क्योंकि अभी भी काफी इकोनॉमी कुछ लॉकडाउन में ओपन हो रही है, कुछ अभी भी लॉकडाउन में, जिसके चलते ओवर सप्लाई रहेगी और क्रूड में गिरावट का रुख रहेगा। नेचुरल गैस में इन्वेंट्री के बाद इकाई हमने प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखा है, बट जब तक 127 का लेवल नहीं तोड़ता है कॉशियस रहिए। आज दिन के सेशन में अगर गिरावट मिलती है और 130 का लेवल फिर से रिकवर करता है तो हमें बाय करना है, बट अपसाइड लिमिटेड रहेगा। जब तक 134 के ऊपर क्लोज नहीं देता है मार्केट 127 से 134 के बीच में ट्रेड करेगा। कॉपर में कल एक बार तो मार्केट ने घबराहट देखी, क्यों? क्योंकि जिस ढंग से जो माइंस के अंदर अनरेस्ट था लेबर को लेकर वो रिजॉल्व होते हुए देखा, लेकिन कोविड के जो केसेस है चीनी माइंस में, पेरू माइन में, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। साथ में हमने मॉर्निंग में देखा चाइना से जो जीडीपी के Q2 के डेटा आए थे वो बहुत अच्छे आए, 3.2 आए अगेंस्ट 2.5, जिसके वजह से भी बेस मेटल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो बेस मेटल में आज भी सेलिंग से बचे, ओपनिंग नेगेटिव हो सकती है बिकॉज एलएमई पे अगर आप देखेंगे सब आधे परसेंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे। कॉपर के लिए 502 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, 502, 508, 512 ऐसा लेवल, जब तक 490 का लेवल नहीं तोड़ता कॉपर में होल्ड करके ही चलना है। कॉपर, जिंक, निकल, ये तीन कमोडिटी अच्छी लग रही है, जबकि एल्यूमिनियम ब्लेड साइडवे रहने की उम्मीद है। इंटरनेशनल में गोल्ड 1800 के नीचे क्लोज करना ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 1800 के नीचे होल्ड हो जाता है ये हफ्ते आज की क्लोजिंग तो 1770 तक का लेवल गोल्ड दिखा देगा। चांदी के लिए 1920 के नीचे जाने से 1850 तक का लेवल चांदी में। WTI क्रूड ऑयल रेंज बाउंड रहेगा 40 से लेकर 42 के बीच में, ब्रेंट 41 से लेकर 45 के बीच में। नेचुरल गैस में दिन के सेशन में गिरावट है, 130 का लेवल रिकवर करने पे 134 तक का लेवल। वीक्स इंडेक्स में गिरावट है जिसके चलते आज इक्विटी मार्केट में तेजी रहेगी। डॉलर इंडेक्स फिर से रिकवर करना चालू कर दिया है जो 96.50 तक जाएगा, और डॉलर की तेजी की वजह से आज कमोडिटी में खास करके सोने चांदी में एक साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है, बट कोविड के केसेस ध्यान रखिए, इंडिया 10 लाख पार कर चुका है। वहीं डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज यूएस से हम बिल्डिंग परमिट्स के डेटा काफी अच्छा आते हुए देखेंगे, हाउसिंग स्टैट्स का डेटा काफी अच्छा आते हुए देखेंगे, कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा अच्छा आते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल सारा डेटा पॉइंट है वो डॉलर को सपोर्ट करेगा। गोल्ड की अगर बात करें तो मल्टीपल टॉप आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइजेस 49,300-350 के करीब जाता है, फिर टूट जाता है। कल हमने ये ब्रेकआउट दिखा है, तो अगर आज 49 के नीचे नीचे प्राइस अगर होल्ड कर लेता है तो हम 48,400 तक का लेवल, 450 तक का लेवल देख पाएंगे। वहीं गोल्ड इंटरनेशनल का ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, शॉर्ट टर्म नहीं है। 1810 की जगह आप 1820 पकड़ के चलिए, 1820 के ऊपर क्लोजिंग देने पे ये 1920 से लेकर 2010 तक का ये मंथली चार्ट है, तो लॉन्ग टर्म आप दिसंबर तक का पकड़ के चलिए कि अनलेस एंड अंटिल 1660 का लेवल नहीं तोड़ता, ध्यान तेजी का रहेगा। कॉपर में 506.7 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, अगर ये लेवल तोड़ दिया तो फर्दर तेजी, नहीं तो 506 दिखाने के बाद एक लोअर साइड में एक पुल बैक दिखा देगा। अभी भी माइंस की न्यूज पे ध्यान रखिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।